निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहां के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोल परम राज की, बोल माता की, माता की जय। अरे जय माता की, जय माता की। प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगन्माते की जय। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माते भक्तों एवं इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ, माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। यह सत्य चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन जो यहां किया जा रहा है, यह 3 दिन जो मुझे और आपको यहां गुजारने को मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों के चिंतनों को उस प्रकृति सत्ता के चरणों की ओर कुछ बढ़ा सकूं, उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की ओर कुछ और कदम चलने में यदि आपकी सहायता कर सका, यदि आपके अंतःकरण में उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की एक भी किरण जागृत कर सका तो यह शिविर मेरे लिए सार्थक होगा। क्योंकि शिष्यों द्वारा आप लोगों को ये समय समय पर अवगत कराया ही जाता है, शायद पूर्व में भी अवगत कराते रहे होंगे, इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर जैसा नाम है, शक्ति चेतना
माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की जो चेतना है जन जागरण उससे जोड़ने के लिए जन जागरण की जो आवश्यकता है इस काल में, इस कलिकाल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हो सकता है समाज में माता के जागरण जगह जगह पर कराए जाते हों, मगर जहां प्रारंभ ही गलत भाव और शब्दों से हो जाता है तो क्रिया पक्ष तो गलत होती ही चली जाती है और हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मेरा लक्ष्य है कि माता भक्ति आदि सब जगदी जगदम्बा का जागरण करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, उनका तो जागरण हर काल में, हर परिस्थिति में, हर कर्म कर्म में वो मौजूद हैं। आवश्यकता है तो जन जागरण करने की, क्योंकि यदि कहीं किसी प्रकार के आवरण पड़े हुए हैं तो आप लोगों के अंतःकरण में। मेरे फिर कोई कथा और कहानियां कथानकों को सुनाने के लिए नहीं होते, क्योंकि चिंतन प्रारंभ में देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि अधिकांशतया समाज जितने भी शिविरों को अटेंड करता है तो ये तो कथाओं में चल रहे होंगे, रामायण पुराणों ग्रंथों में कुछ चिंतन ले लिए जाएंगे और कहानियों किस्सों का क्रम चलता रहता है। समाज के बीच अनेकों धर्मगुरु हैं, अनेकों कथावाचक हैं, निश्चित है वे अपने अपने स्तर से समाज को चिंतन देते हैं, ज्ञान देते हैं, मगर मेरा जीवन एक केवल साधना पक्ष से जुड़ा हुआ है। मैं माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक रजकण मात हूँ। उस प्रकट सत्ता की कृपा से जो कुछ मैंने जाना है, जो कुछ मैंने समझा है, जो कुछ मैंने पाया है, उसे सिर्फ समाज को जोड़ना चाहता हूं। आज शिविर का प्रारंभिक दिन है, मैं चाहता हूं पहले उस मैं शब्द का ही आप लोगों को ज्ञान कराऊं, क्योंकि मेरे जहां पर भी शिविर होते हैं या जहां पर भी मेरे चिंतन होते हैं सब कुछ मेरे द्वारा मैं शब्द के माध्यम से ही कहा जाता है। मैं शब्द के अलावा और कुछ चिंतन देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। जो कुछ ज्ञान करा रहा हूं मैं का करा रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं मैं के द्वारा कह रहा हूं, और मेरा यह माता आदि सब जगजननी जगदम्बा से जुड़ा हुआ है। मैं का ज्ञान आपको माता आदि सब जगजननी जगदम्बा के चरणों तक पहुंचा देता है। हो सकता है मैं शब्द में समाज भटक रहा हो, जब कोई साधक जब कोई योगी कोई बात मैं शब्द से संबोधन करता है कि मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें सतमार्ग पर बढ़ाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें भटकाओं से दूर हटा करके एक सतमार्ग में लेकर के उस प्रकट सत्ता की ओर बढ़ाना चाहता हूं, दानवता के मार्ग से हटा करके मानवता के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, तो शब्द अहंकार के नजर आते हैं। मगर जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज से अच्छी तरह से अवगत हैं कि अहंकार नाम का शब्द मेरे चिंतन में स्पर्श भी नहीं कर गया, मगर मैं उन अहंकारियों का भी अहंकार हूं। क्योंकि यदि मैं माता आदि सत्यजननी जगदम्बा की चेतना पर अहंकार न कर सका तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही बेकार हो जाएगा। उस माता आदि सत्यजननी जगदम्बा जिसे देवाधिदेव भी माता भक्ति मां कहकर के पुकारते हैं, देवाधिदेवों के भी जो जननी है, उस माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा के चरणों की ओर बढ़ने के लिए हम आप इन क्षणों पर यहां पर उपस्थित हैं। क्योंकि मैं जो चिंतन आपको दे रहा होता हूं उन क्षणों पर मैं भी मां के चरणों पर ही रप रहता हूं, मां के चरणों पर मेरा चिंतन जुड़ा रहता है। 24 घंटे पूर्व मैं यहां आया था, हो सकता है आप लोगों के चिंतनों में बातें आ रही हूं कि गुरुदेव जी वहां थे, कुछ शिष्यों से नहीं मिल रहे थे। मेरे एकांत की साधना, जब मैं सिद्धाश्रम में अपने रहता हूं पंचयोग सत्य सिद्धाश्रम में, वहां पर भी मेरी एकांत की साधना अधिकांशतया रहती है। मैं बहुत कम समय समाज के बीच बैठना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं समाज को मैं वह तभी कुछ दे सकता हूं जब मैं अधिक से अधिक समय माता भक्ति आदि सब जगजननी जगदम्बा के चरणों पर बैठूंगा, जितना ध्यान के क्रमों में एकाग्र रहूंगा। 24 घंटे में शायद 3 या 4 कार्यकर्ताओं से जो शिविर संबंधित नितांत आवश्यक कार्यकर्ता थे केवल उनको शायद मैंने 1 या 2 मिनट के लिए समय दिया होगा। चूंकि भ्रांतियां समाज में आ जाती हैं कि गुरुदेव जी हो सकता कुछ लोगों से मिल रहे हो सकता कुछ लोगों पैसे वालों से मिल रहे हो सकता कुछ लोग जिन्होंने दान दे रखा हो उनसे गुरुदेव जी मिल रहे हो। चूंकि समाज के भटकाव हैं, समाज इन विचारधाराओं में भटक चुका है। मैंने कहा मेरे लिए धनवान महत्वपूर्ण नहीं होते, मेरे लिए भावनावान महत्वपूर्ण होते, मेरे लिए कर्मवान महत्वपूर्ण है। मैंने बार बार कहा है, मेरा हर पल का चिंतन रहता है
कि गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा नजदीक होता है, यदि वह भावनावान है, यदि वह सतमार्ग में चलना चाहता है, समाज निश्चित भटक रहा है, समाज में ही कुछ हो रहा है, जब भी कोई फिर होता है केवल धनवानों को इकट्ठा किया जाता है। यदि मैं वास्तविकता में कह दूं कि धर्म का स्वरूप जिस तरह भटकता चला जा रहा, मैं शब्द का संबोधन कर रहा हूं, इसलिए इन चित्रों का देना मेरा कर्तव्य होता है कि आज समाज मेरे मैं शब्द पर भटक रहा है, कल इसी मैं शब्द के शरण में आने के लिए समाज बाध्य होगा। ये हर काल में होता आया, कोई नवीन बात नहीं। मैंने बार बार कहा मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं, ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा। मैं एक ऋषि हूं, मैं एक साधक हूं, और यदि मेरे द्वारा मैं शब्द का संबोधन किया जाता है तो मेरा मैं शब्द उस माता आदि सब्जनी जगदम्बा से जुड़ा हुआ है, और मैं की ही खोज तुम्हें उस प्रकट सत्ता तक पहुंचा भी सकती है, और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। मगर उसमें यदि समाज भटक रहा है, जो स्वतः भटका हुआ हो, जो स्वतः उल्टा खड़ा हो और दूसरे को देखे तो वह उल्टा खड़ा नजर आता है। ये शिविर की जब व्यवस्थाएं चल रही थी, मुझे भी कहा गया कि गुरुदेव जी यदि आप कुछ उद्योगपतियों के लिए के यहां, कुछ व्यवसायियों के यहां उनको मिलने का समय दे दे तो वो 51,000 आपको दे देंगे, और अगर उनके यहां खाना खाने के लिए चले जाएं तो 1,00,000 रुपए आपको इस शिविर की व्यवस्था के लिए दे देंगे। मैंने कहा मैं व्यवसायों का जीवन नहीं जीता, तुम 1,00,000 की बात करते हो, मैं करोड़ों को पैर से ठोकर मारता हूं। इस समाज में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो धन बल के माध्यम से मुझे अपने दरवाजे तक खींच सके। आज ये समाज का स्वरूप है, इसी कानपुर के नगर वासियों से मुझे चिंतन दिया गया कि आपका सुर और गुरुदेव जी और अच्छा व्यवस्था हो सकती है। यही सभी धर्माचार करते हैं, यहां पर हम लोग आयोजन करते हैं। आज क्या स्वरूप धर्म का भटक करके रह गया है कि धर्माचार्य, धर्म प्रमुख, बड़े बड़े कथावाचक बेस्याओं से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। यह मैं शब्द संबोधन करने के लिए बात हूं। हो सकता है कोई किन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए उनकी भावनाओं को आघात भी लग रहा हो, मगर यदि मैं आघात न दे सका तो मेरा जीवन बेकार होगा, क्योंकि मैं भावनावानों को चिंतन देने आया हूं और जो भटकाव के मार्ग में उन्हें ठोकर मारने भी आया हूं। मेरे चिंतन माता आदि सब्जनी जगदम्बा भक्ति से जुड़े हुए हैं। जब मैं शुरू में आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं स्वतः कह देता हूं कि यदि किसी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना, मैं चाहे जैसे व्यवस्था करूंगा, हो सकता पड़ेगी तो मैं कर्ज लेकर के यहां पर लगा दूंगा, मगर कभी भी ऐसे व्यक्ति का धन मत स्वीकार करना जो भावना से दो कदम बढ़कर के आने के लिए तत्पर न हो, जिसे एक बार तुम कहो और प्रसन्नता से समर्पण न करे। इसका चिंतन पूर्व में मेरे द्वारा दिया जा चुका, क्योंकि मैं न दान स्वीकार करता हूं, न दान का फल देता हूं, न माता भक्ति आदि सब्जनी जगदम्बा से निवेदन भी कभी नहीं करता कि कोई करोड़ों भी दे दे तो मैं चाहूंगा माता भक्ति आदि सब्जनी जगदम्बा उसकी कभी भी कोई मनोकामना पूर्ति न करे। चूंकि यदि समाज का कोई भी व्यक्ति दानी बनकर के किसी भी धर्म गुरु को दान समर्पित करता है तो लेने वाला भिखारी बन जाता है, और क्या उस प्रकट सत्ता आपके सामने भिखारी होगी? क्या चेतनावान गुरु आपके सामने भिखारी होगा? वह केवल समर्पण स्वीकार करता है, और समर्पण भी प्रकट सत्ता के उन्हीं लक्ष्यों के लिए जो जनहित से जुड़े हुए। मैंने कहा मैं नमक रोटी खा लेना पसंद करता हूं, यह चिंतन इसलिए देना चाहता हूं कि 3 दिन की जो दिव्य महाआरतियां होंगी इस कानपुर के नगरवासी उन दिव्य महाआरतियों का वह फल ले सके जो मैं फल देने के लिए माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा के चरणों में बराबर निवेदन करता रहता हूं, बराबर साधनारत रहता हूं। यहां आने के महीनों पहले से यहां के लोगों को उन क्रमों का लाभ प्राप्त हो सके एकांत साधनाओं में रत रहता हूं। यदि मेरे विचारों को नहीं पकड़ सकेंगे तो उन दिव्य महाआरतियों का फल भी आप लोग प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस शिविर में अनेकों लोग जो सहयोग करना चाहते हैं मैंने उन्हें ठुकरा दिया है, सहयोग लेने नहीं दिया, क्योंकि मैं एकांत में वहां बैठा रहता हूं, मगर मैं देखता हूं कि कौन किस भाव से दो कदम आगे बढ़ रहा है। यदि मेरे शिष्य कार्यकर्ता किसी का 10 रुपए लेते भी हैं तो एक बार मुझसे वहां पूछते हैं गुरुदेव जी हमने उनसे कहा था उनका सहयोग प्राप्त करें या न प्राप्त करें, उसके बाद भी मेरा चिंतन किया जाता है। यदि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भावना उसके अंदर छिपी हुई है, कहीं ना कहीं वह माता आदि सब्जनी जगदम्बा के सतमार्ग में जन कल्याण के लिए कुछ समर्पित करना चाहता है, तभी मेरे द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। और आप लोगों को पुनः अवगत करा दूं कि इस शिविर से कहीं ऐसा नहीं मैं कोई 2,00,000 ले जाने के लिए आया हूं या करोड़ों अपनी जेब में भर ले जाने के लिए आया हूं। इस शिविर के व्यवस्था में भी 2,00,000 रुपए मैं अपने आश्रम से ला करके लगा रहा हूं। यह हर शिविरों में होता है,
आज 15 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा समाज के बीच हो चुकी है, करोड़ों लोग समाज के लाभान्वित हो चुके हैं, मगर सत्य और असत्य का फल सिर्फ इतना है कि सत्य में हर एक का धन लग सके ये भी संभव नहीं, सत्य को हर व्यक्ति पहचान सके ये भी संभव नहीं, सत्य के साथ हर व्यक्ति कदम से कदम मिलाकर के चल सके ये भी संभव नहीं, मगर जो असंभव है उसे संभव करने के लिए हमें और भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े सदस्यों को प्रयास करते रहना, हमें किसी को ठुकराना नहीं, हमारा किसी से बैर भाव नहीं, अज्ञान है जो भटके हुए हैं, अज्ञान है जो सतमार्ग से दूर हैं, यदि हम गलत विचारधारा को उनका धन लेकर के इस कार्य में लगा भी देंगे तो उनके विचार और भटकेंगे, अतः मेरे बराबर चिंतन रहते कि ये जो आरतियां तीन दिव्य आरतियां आप लोगों को मिलेंगी मेरे चिंतनों के बाद तीन दिन, उन क्षणों का यदि आप लाभ उठाएंगे तो यदि आपके जीवनों में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं मनोकामना तो उनमें कहीं ना कहीं मां का सहारा आप लोगों को अवश्य मिलेगा, क्योंकि पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा जानकारी दी गई है कि पिछले 10 वर्षों तक मैं एकांत आश्रम की चैतन्य अवस्था बनाने के लिए, वहां के वातावरण को एक चेतनावान बनाने के लिए अधिकांशतः मेरी साधनात्मक क्रियाएं उस स्थान से जुड़ी हुई थी, इसलिए आज उस स्थान में हजारों लाखों लोग जाते आते हैं, वहां से लाभान्वित होते हैं, एक शांति पाते हैं, जबकि कोई बड़ा वैभवशाली वहां आश्रम बन नहीं सका, अभी वहां पर नींव डाली गई है, केवल माँ का भक्त माता भक्ति आदि सती जननी जगदम्बा का पिछले 10 वर्षों से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, भौतिक क्षेत्र यदि उस क्षेत्र को देखा जाए तो कोई ऐसा विकास वहां पर अभी नहीं हुआ, मगर फिर भी जिस तरह अन्य तीर्थ स्थानों में अन्य बड़े बड़े मंदिरों पर जो लोग लाभ पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां लाभान्वित होते हैं, लोग जाते हैं नफा मुक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं, जो सोचते हमारा नफा कहीं पर छूटेगा नहीं वहां जाते हैं और 24 घंटे ही गुजारते हैं उसका लाभ प्राप्त करते हैं, ये वहां के वातावरण में हो रहा है, और जो वहां के वातावरण में हो रहा है जिस समय मैं जहां पर उपस्थित होता हूं उसी सिद्धाश्रम का वातावरण वहां पर भी निर्मित करता हूं, मेरे साथ धन और वैभव चल सके ना चल सके मगर मेरा एक कदम भी अगर आगे बढ़ता है तो पहले हृदय में माता आदि सत्यनी जगदम्बा भक्ति की स्थापना होती है, हर पल मेरा चिंतन होता है, ये मेरी व्यथाएं हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा है पूर्व में भी मेरे चिंतन है कि यदि तुम केवल मेरी व्यथा को समझ सके तो तुम सत्य के नजदीक जरूर पहुंच जाओगे, मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें माता भक्ति आदि सत्यनी जगदम्बा से जोड़ने आया हूं, उस मैं शब्द की तरफ जहां मैं कह रहा था कि मैं शब्द का आप लोगों ने ज्ञान नहीं समझा, मैं शब्द को समझने का प्रयास नहीं किया तो पूरा समाज इस काल में केवल भटकता रहेगा, मैं शब्द ही तुम्हारे जीवन का आधार है, मां और मैं ये दो ही तुम्हारे रिश्ते उस प्रकट सत्ता से जोड़ते हैं, जिन क्षणों पर यदि हम मैं का भान भूल जाएंगे तो हम मां के अस्तित्व का भी भान भूल जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें अपने मैं का ज्ञान है तब तक हमें मां का ज्ञान होगा, मैं मां के इसमें भी तुलनात्मक क्रियाएं कार्य करती हैं, जहां मैंने कहा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर होता है वह सतरज सम होते हैं, मैं उस मैं की बात कह रहा हूं जिस मैं का ज्ञान आप लोगों को करने की आवश्यकता है, वैसे तो मैं की भाषा सभी बोलते हैं, यह मेरे द्वारा नहीं बोली जा रही, ये अलग बात है कि समाज के अधर्मी अन्यायी चाहे जितनी भाषा मैं के बोलते रहे मगर धर्म क्षेत्र जब खड़ा होकर के कोई साधक कोई ऋषि मैं शब्द की भाषा बोलता है तो वह अहंकार की भाषा समाज को नजर आती है, क्या बताएंगे समाज का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मैं का संबोधन नहीं करता, मैं किस माता पिता का पुत्र हूं किस माता पिता की पुत्री हूं, यह मेरा घर है, मैं इस विभाग का कर्मचारी हूं, अरे हमारे तो जितने विधायक सांसद जो वर्तमान में भ्रष्टाचार भटकाव के रास्ते में भटक रहे हैं वो भी तो मैं की भाषा बोलते हैं, वो भी जब शपथ लेते हैं मैं शपथ लेने का पहले मैं शब्द ही सबसे पहले बोलते हैं, संविधान के अनुरूप शपथ लेते हैं वैसे चलते संविधान के सदैव विपरीत है, जो मैं करके शपथ लेते हैं और चलते सदैव विपरीत हैं उन पे समाज कभी टिप्पणी नहीं करेगा, कभी रूप में प्रचार मीडिया टिप्पणी नहीं करेगा, सबकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, चाहे मीडिया तंत्र हो चाहे समाज के उद्योगपति हो चाहे सबको केवल धन की कामना, कोई नहीं सोचना चाहता कि आज जिस वातावरण में हम जीवन जी रहे हैं आने वाले बच्चे हमारे किस तरह का वातावरण जीवन जिएंगे, आज चंद ये कह दू 1000-2000 व्यक्ति देश का संचालन कर रहे हैं,
वो अपनी विचारधारा से समाज को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में समाज खींचता चला जा रहा है, प्रसन्नता से खींचता चला जा रहा है। यही होता प्रलोभन। जिस तरह एक चींटी मीठी जगह में जाकर उसी में चिपक करके मर जाती है, उसी तरह यह पूरा समाज भी धीरे धीरे उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ रहा है। आप सुख और शांति प्राप्त कहां पर रह कर रहे हैं? धन है, दौलत है, सुख शांति नहीं है। परिवार में चार लोग हैं, शांति से रह नहीं पाते। चार लोगों की बात तो छोड़ दो, पति पत्नी शांति और संतोष से नहीं रह पाते। किस दिशा में आप जा रहे हैं? क्या एक पल के लिए आप सोचना नहीं चाहेंगे कि जिस दिशा में हुए बुद्धिजीवी वर्ग का समाज, वह राजनेता, वह धर्माचार हमें जिस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या हमारा वहां पर कल्याण होगा? क्या वहां पर हमें शांति की अनुभूति होगी? क्या वहां जाकर के हम शांति को प्राप्त कर सकेंगे? क्योंकि आप लोगों की अंतःकरण में इतने आवरण पड़ चुके हैं कि आंखें तो खुली हैं मगर देख नहीं पाता। अंतःकरण में इतने आवरण पड़ चुके हैं कि जन्म दर जन्म हुए आवरण आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही आवरण तो हमारे समाज में बैर करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों में, सिख ईसाइयों में आपस में जो बैर फैल रहा है, ये इन्हीं आवरणों के फलस्वरूप फैल रहा है। क्योंकि जब अज्ञानता का आवरण जितना चढ़ता चला जाएगा, हम राग द्वेष से उतना ग्रसित होते चले जाएंगे। अन्यथा सत्य विचार करके देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका शरीर एक समान है। हो सकता है छोटे बड़े हो, मगर उसके अंदर बैठी हुई चेतना, खून का एक एक कण एक समान है। फिर संप्रदायिता की जो आग फैलती चली जा रही है, वह क्यों फैल रही है? एक एक शंकर, जब प्रारंभ में एक शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की, तो चार चार मठों की स्थापना कर दी, एक समाज के प्रवाह को इस तरह मोड़ा कि अब तक समाज उसे काफी समय तक लाभान्वित होता चला गया। मगर पिछले कुछ हजारों वर्षों से कुछ समय से ऐसी स्थितियां भी आ रही हैं कि अनेकों धर्माचार हैं, अनेकों शंकराचार हैं, फिर भी समाज में सुख और शांति नहीं है। चूंकि उन सभी धर्माचारों, सभी शंकराचारों को केवल धन दौलत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, स्वागत चाहिए। किसी भी मंच में बैठेंगे, 25-50 बुद्धिजीवी वर्गों को पहले इकट्ठा किया जाएगा, नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा, फिर वो माल्यार्पण कर रहे हैं। यही सब जगह हो रहा है, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, और आप लोगों का पैसा लूट रहे हैं। उन्हें केवल धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। जितने समय आप लोग अपने घरों में मां का ध्यान करते हुए अपने किसी भी देवी देवताओं इष्टों की आराधना करते होंगे, हो सकता है उतने समय भी वो ध्यान चिंतन में न बैठते हो। कथाएं सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, उसके बाद जहां भी जाएंगे उनका अधिकांश समय 5 मिनट इस चौखट में जाकर के मत्था टेके, 5 मिनट उस चौखट में जाकर मत्था टेके, कहीं यहां से 1,00,000 रुपए, वहां 50,000 लिए, यही करते रहते हैं। क्या धर्म हमारा इसी तरह चल सकेगा? क्या सत्य की रक्षा हम इसी तरह कर सकेंगे कि समाज इसी तरह पतन में चला जाएगा, धर्माचार वेश्याओं का जीवन जिएंगे? यह शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं शब्द का ज्ञान करा रहा हूं कि अगर उन्हें यह शब्द आघातपूर्ण लगते हैं, अगर वास्तविकता में उन्होंने अपने मां के स्तन का दूध पान किया है, किन्हीं भेड़ और बकरियों के दूध से अपने शरीर का संचालन नहीं कर रहे, तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें। मैं सम्मान, सबका आदर करता हूं, अनादर के भाव से नहीं कहता, मगर आप लोग स्वतः अपने अंतःकरण में विचार करके, अपने घरों में बैठ करके शांति से सोचे कि आज जिस दिशा में समाज बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं खड़ा होगा? क्या कहीं पर भी प्रगति का अवरोध नहीं आएगा? क्या कहीं पर भी प्रगति सहारा नहीं देगी? क्या इसी तरह अनित अन्याय अधर्म के रास्ते पनते फलते और फूलते रहेंगे? मैं नहीं कह रहा कि साधु संत सन्यासियों में किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, अनेकों ऐसे जो ज्ञान मार्गी हैं, अनेकों ऐसे हैं जो भक्ति मार्गी हैं, अनेकों ऐसे जिन्होंने साधु जीवन व्यतीत कर रखे हैं, अनेकों ऐसे जिनके अंदर संत का स्वभाव कहीं ना कहीं आ चुका है, साधुवाद के कुछ पात्र हैं, मगर जो पात्रता की सीमा है वह कहीं उस सीमाओं का कई गुना ज्यादा उल्लंघन करके रखा जा रहा है। एक कथावाचक जो कथाएं सुनाता, मैं नहीं कह रहा कथाएं नहीं सुनना चाहिए, कथाएं सुनने से भी समाज को कुछ न कुछ चिंतन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मगर एक कथावाचक भी अपने आप को सिद्ध ऋषि बताता है, एक कथावाचक भी अपने आप को परमहंस लिखता है, एक कथावाचक भी कहता मैं आशीर्वाद दे दूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा,
जरा विचार करें, क्योंकि मैं सत्य का ज्ञान देने आया हूं, इसलिए मेरे विचार चिंतन उन्हीं क्षेत्रों से होंगे। भागवत की कथा सुना कल्याणकारी है। यदि भगवान की कोई भी कथा हो, भगवान का कोई कथानक हो, उनके जीवन का कोई भी सत्य का चरित्र हो, वह सुनने पे हमें हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। भगवान का नाम हमारा कल्याण करता है। मगर वही कथावाचक जहां गए भागवत की कथा सुनने पे इतने हजारों यज्ञों का फल मिल जाता है, एक कथा एक बार सुन लेने पे न मालूम कितनी कितनी चीजें वो गिना देंगे। चूंकि तो आप लोग सुनते रहते उन क्षेत्रों में मैं जाना नहीं चाहता, मगर उसी यदि कथावाचक से आप पूछे कि इतने दिन बचपन से आज तक आपको कथा सुनाते हो गया, भगवान की भागवत की कथा सुनाते हो गया, भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हो गया, क्या आपने कभी एक झलक भी उनकी पाई है? पूछो, विचार करो, सोचो कि जब वो दिन रात वो भागवत कथा सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, कितने बार सुना चुके होंगे अपने जीवन में, जब उनका कल्याण नहीं हुआ तो वह आपका कल्याण क्या करेंगे? और यदि किसी कथावाचक ने ऐसा कुछ पाया हो तो मैंने बार बार कहा है, मैं चुनौती शब्द इसलिए अहंकार बख नहीं रख रहा, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरे पिताजी आपके समक्ष बैठे हुए हैं, भदवा ग्राम फतेहपुर जिला का मेरी जन्म स्थली है, मैं एक किसान के परिवार के घर में जन्म लिया हूं, पिछले 30 वर्षों से दंडी सन्यास के रूप में पिताजी, चूंकि ये मेरी चौथी मुलाकात है, पिछले नवरात्र से कुछ समय आकर के जहां पूरे 25-30 वर्षों तक देश के कोने कोने का भ्रमण किया, सन्यास जीवन में अनेकों धर्म स्थानों को देखा, मगर जो तृप्त कहीं ना पाई वो उस आश्रम में आकर के जिस परिवार को त्याग करके गए थे, जब मैंने चिंतन वहां का खींचा तो बाध्य हो गए उस स्थान पर गया, और जो तृप्ति जो मैंने बार कहा वहां कोई वैभवशाली स्थिति नहीं है, जो शांति पाई, जो तृप्ति पाई, जो चैतन्यता पाई, कहने के लिए बाध्य हो गए कि मैंने 25 वर्ष बेकार गंवा दिए। वही तृप्ति आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो आपसे पहले से परिचित होंगे, स्वास्थ्य लाभ की मैं बात कर दूं, क्योंकि आप इन्हीं समस्याओं से ग्रसित, जहां मैं एक तरफ लाभ की बात कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं लाभ से आपको खींचना चाह रहा हूं, क्योंकि चिंतन उस आश्रम में जहां आज अगर कह दिया जाए तो हजारों लोग ऐसे तो जीवन दान प्राप्त कर चुके हैं, असाध्य से असाध्य बीमारियों से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जो 10 मिनट अच्छे से बैठ नहीं पाते थे वो घंटों बैठते हैं, जो 10 कदम चलना मुश्किल पड़ता था वो सैकड़ों कदम आराम से चेतनता से चलते हैं, अनेकों लोगों का चिंतन वहां जाए देखे समझे, समाज प्रमाण चाहता है, मैंने बार बार कहा है पूर्व के चिंतनों में भी है कि समाज उस स्थान पे आए कितने प्रमाण तलाशना चाहेगा, ये निश्चित है। मेरे कार्य करने के तरीके थोड़े दूसरे हैं, मैं उतना समय समाज के बीच दे नहीं पाता, अपनी बात उतनी कह नहीं पाता, क्योंकि मेरी एकांत साधना चलती रहती है, उसका प्रभाव समाज में पर निश्चित रूप से रहा है। आप देश के कोने कोने में जिस तरह से माँ का जनजागरण हो रहा है, माता भक्ति की आराधना प्रार्थना में लोग लगे हुए हैं, लोगों के अंतःकरण जागृत हो रहे हैं, वे परिवर्तन की दिशा सामान्य नहीं है। आने वाले 5-6 वर्षों में यह समाज देखेगा कि एक जो प्रवाह है एकांत स्थान से चलाया जा रहा है, अधिक से अधिक समय मेरे द्वारा समाज के बीच दिया भी नहीं जाता, वह प्रवाह क्या गति पकड़ता है। आप सत्य को आंख उठाकर तो देखें, मैं सत्य की जहां बात कह रहा हूं आंख उठा के देखने की बात कर, मैं नहीं कह रहा मेरी ओर देखें या मुझे पूजने लग जाएं, मैं माता आदि सत्य जगनी जगदम्बा को पूजवाने के लिए आया हूं, तो उस प्रकट सत्ता को तुम समझो, जब तक उस प्रकट सत्ता को समझोगे नहीं, और समझने के लिए केवल एक मार्ग है, मैं शब्द की खोज, मैं कौन हूं, केवल एक प्रश्न को पकड़ लो, एक चीज को पकड़ लो कि मैं कौन हूं, और उस मैं की खोज में केवल लग जाओ, यदि तुम अपने मैं के खोज को खोज सके तो तुम्हें किसी धर्म वाली चीजों को धारण करने की जरूरत नहीं है, मैं की खोज में लग जाओ, और यदि तुमने मैं की खोज कर ली, मैं को भी तुम पा गए तो मां तुमसे दूर नहीं होंगी। अंता कहानियां किससे तो चाहे जितने सुन ले, कथाएं चाहे जितने सुन ले, एक कान से सुनेंगे उसी तरह जितने पिक्चरों से सुनने में हाथ से जब आप लोग निकलते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने आप को हीरो हीरोइन मानने लगता है, जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की, कुछ समय चेतनता रहती है और अपने घर की चौखट तक जब तक पहुंचते हैं तो वह ऊर्जा धीरे धीरे दबने लगती है। उस तरह जब आप कहानियां किससे सुनते हैं, कथाना सुनते हैं, तो भगवान के प्रति थोड़ी प्रीति जागृत होती है आपकी, मगर वो आवरण केवल भाव पक्ष से नहीं निकल सकेगा, जो आवरण पड़ चुका है उसके लिए आपको साधक बनना पड़ेगा,
तपस्वियों का मार्ग तय करना पड़ेगा और उसके लिए घर और गृहस्थ का त्याग करने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही माता भक्ति आज सर्वजनी जगदम्बा का ध्वजा टांगा, घर पर ही मंदिर बनाने का प्रयास करो, पूर्णतया नशा मुक्त जीवन जियो, पूर्णतया मांसा आहार से मुक्त जीवन जियो। माता की कोई छवि अपने घर में रखो, माँ के सुबह शाम आरती करो, पूजन करो। मेरे द्वारा अनेकों कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं, इस क्षेत्र में मैं कल ज्यादा से ज्यादा चिंतन दूंगा, उन मंत्रों की आराधना करो। यदि तुम अपने मंत्र माँ के कोई मंत्र और आराधना करना चाहते हो तो उनसे भी कर सकते हो, मगर फिर भी ज्यादा शांति यदि उन प्रक्रियाओं में रहोगे तो ज्यादा शांति फिर भी नहीं पा सकोगे। अनेकों लोग कहते हैं कि हमने दुर्गा शक्ति का पाठ हमने इतने साल किया मगर भी हमको शांति नहीं मिल पाई, हमने इतने मंत्रों का जाप, इतने लाख इतने करोड़ मंत्र किए मगर हमें शांति नहीं मिल पाई। शांति मिलेगी कैसे, जब मार्ग सही नहीं है, दिशा सही नहीं है। चूंकि हम अधिकांश है आप तमोगुण का जीवन ज्यादा जीते हैं। तमोगुण का जीवन ये नहीं होता कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कोई कह दो तमोगुणी है, आवेश से कोई बात कह रहे हैं। चूंकि मेरा सहज स्वरूप क्या है, उस सहज स्वरूप तक पहुंचने के लिए मुझे केवल एक पल लगता है। कर्म करने के लिए तो मुझे कुछ भी कही है, पूर्व में भी ऋषि मुनियों द्वारा होता आया है। हमारा कोई भी ऋषि मुनि हिजड़ों का जीवन नहीं जिया, तपस्वी थे, चेतनात्मक भाषा बोलते थे और चेतनात्मक कार्य करते थे समाज के बीच, अहंकार से अपने आप को कोसों दूर रखते थे। मेरे द्वारा विज्ञान को भी चुनौती है, विज्ञान परीक्षण करके देखे उन धर्माचारों साधु संत सन्यासी को, विज्ञान के पास क्षमताएं हैं क्या, आवश्यकता नहीं समाज में आज कि एक बार विज्ञान की कसौटी पर, क्योंकि आप तो बहुत कुछ चल रहा है, योग और विज्ञान को कसौटी पे कसो। अरे भटके हुए योगाचार्यों, पहले अपने आप को विज्ञान की कसौटी में कसा करके दिखाओ, फिर योग और विज्ञान की कसौटी कसना। योग की सही मायने में परिभाषा क्या है उसको भी समझना उन लोगों के लिए कठिन है। इस क्षेत्र में मेरे द्वारा अनेकों चिंतन पूर्व में दिए जा चुके हैं। सब जगह केवल भटकाव का मार्ग, कोई योग सिखा रहा है तो बस पैसा कितना लूट ले, करोड़ों का रुपया 11 लाख तुम दे दो, एक करोड़ तुम दे दो, एक करोड़ किसी ने दे दिया तो बगल में बैठा लिया गया। इनके चार पीढ़ियों को मैं जानता हूं, ये बहुत धर्मज्ञ हैं, बहुत अच्छे हैं, भावनावान पीछे बिचारे बैठे रहे। अगर तुम गरीब हो तो प्रमाण पत्र लेकर के आओ, फिर तुम पीछे बैठ जाओ। दीक्षा तो शुल्क लगते हैं, ये समाज में भी हो रहा है, फिर भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, मगर वो करेंगे क्या, क्योंकि स्वतः भटके हुए हो जो, क्योंकि राजनेताओं का, क्योंकि आज की विचारधारा चाहे जिस पार्टी की उम्मीदवार का, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूं। क्योंकि आज जितनी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपराध तंत्र का शासन चला रही है, प्रजातंत्र नाम की चीज तो कहीं पर रही नहीं गई, गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र, अपराध तंत्र चल रहा है। और जो अपराध तंत्र होगा उसके आवरण तो आप लोगों से भी ज्यादा पड़ चुके होंगे, उन्हें वही कुछ सत्य नजर आएगा। आप लाखों करोड़ों लूट रहे हैं फिर भी उससे कोई उनकी आंखें उस दिशा में नहीं जाएगी, हो क्या रहा है। महत्व वहां दिया जाएगा जहां सब कुछ गलत होगा, उन्हीं मंत्रों से कहा जाएगा कि यदि योग की क्रियाएं कोई अंग्रेज गोरा सिखा रहा होता तो रॉयल्टी ले रहा होता, और तुम क्या ले रहे हो बताओगे। सोचो जरा, क्योंकि वास्तविकता अगर कह दिया जाए, निश्चित हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन जरूर किया, मगर जितना हमें अंग्रेजों ने नहीं सताया उतना हमें अपनों ने सताया है, उतना शोषण हमारा अपनों ने किया है। यदि अपने दगाबाज, धोखेबाज और देशद्रोही न होते तो अंग्रेज कभी हमारे ऊपर शासन न कर पाते। भगवान की जय। शायद अंग्रेज योग सिखा रहे होते तो इतनी रॉयल्टी न ले रहे होते जितना लिया जाता। मैं सभी लोगों की बात कह रहा हूं कि गर्भ घमंड के लिए मैंने कहा, 5 साल मैंने समाज के लिए इसलिए देखिए, 10 साल में मेरा चिंतन एकांत साधना का था, 5 साल मैंने समाज के बीच संकल्पित किए हैं, क्योंकि मेरा जीवन पक्ष सभी क्षेत्रों से बंधा हुआ है। मैं चाहूंगा तो अधिकांश समय आप लोगों के बीच इस तरह बैठने भी नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरा जीवन का लक्ष्य साधनात्मक है। मेरे द्वारा शेष जो 100 यज्ञ संपन्न करने हैं, एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, अखंड साधना में 11 दिन,
सात घंटे एक आसन पर बैठता हूं और यज्ञ हवन में लगा रहता हूं जहां एक शब्द भी नहीं बोले जाते। एक जल का बूंद जल भी बीच में ग्रहण नहीं कर सकता। उस मेरा अधिकांश समय तो उस अग्नि के समक्ष ही व्यतीत होना है, एकांत साधनाओं में ही व्यतीत होना है, मगर मैंने 5 साल समाज की आंखें और खोलने के लिए दे रखी है और बगैर गर्व घमंड से रहित होकर के। अनेकों योगाचार जिन्हों कुंडली चेतना क्या होती इसका ज्ञान नहीं, हो सकता पुस्तकों में पढ़ करके वो मुझसे ज्यादा अच्छा आपको ज्ञान दे दे, हो सकता है, मगर अध्यात्म का ज्ञान जो है उससे वह कोसों दूर है। हो सकता है धर्माचरण करने में मुझसे बहुत से ज्यादा धर्माचार समाज के बीच ज्यादा ऐसे हो, उनका समय मुझसे ज्यादा समाज में गुजर चुका है इस जीवन में, क्योंकि धर्म और अध्यात्म को गहराई से समझने की जरूरत है। धर्म वह है जो हम बाहर से धारण करते हैं, बाहर कुछ भी कर्म करते हैं, जो भी सत्कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की मैंने धर्म और अधर्म की मैंने परिभाषा भी दी है कि जिस कर्म से हमारी आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता होती हो, हमारे अंदर के आवरण हटते हो, हमारा सतोगुणी प्रभावी होता हो, वही धर्म है। तो हो सकता है समाज के बीच लोगों ने मुझसे ज्यादा समाज के बीच वर्तमान में कार्य कर चुके होंगे, तो धर्म क्षेत्र में हो सकता है वो मुझसे ज्यादा आगे खड़े हो वर्तमान जीवन में, मगर अध्यात्म से करोड़ों दूर मील दूर है। अध्यात्म का तात्पर्य है अपने आप का अध्ययन करना, क्योंकि यही संतुलन तो समाज नहीं बिठा पाता। या तो हम धर्म में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, बाहर की जितनी पुस्तकों का ज्ञान अर्जित कर ले, जो कुछ भी कर ले, हमारे धर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मगर हम आध्यात्म की ओर बढ़ ही नहीं रहे। कह देते हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना केवल बाह्य पूजा पाठ तक ही नहीं निर्मित होता, ग्रंथों को रट लेने पर नहीं निर्मित होता। अरे ग्रंथों को तो एक शराबी एक जुआरी भी रट सकता है, मगर अध्यात्म की एक भी पायदान कोई शराबी और जुआनी नहीं तय कर सकता, कोई भ्रष्टाचारी नहीं तय कर सकता, कोई मानवता का द्रोही नहीं कर तय कर सकता, क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारे सातों चक्र, केवल जब हम अध्यात्म की दिशा में बढ़ते हैं तो हमें मानवता के स्वरूप को धारण करना पड़ता है, और उसके लिए अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की एक एक सीढ़ी को तय करना पड़ता है। अनेकों योगाचार जो स्वतः यम और नियमों का पालन नहीं करते और अपने आप को बड़े बड़े योगी योगाचार कहलाते हैं, अगर विज्ञान की कसौटी में कसना है तो मेरी उन्हें भी चुनौती है, क्योंकि उन्हें बार बार का इस महानगर को मैं मामय नगर बनाने का चिंतन पूर्व में दे चुका हूं। अब मेरा लक्ष्य भी है कि इस कानपुर को जो औद्योगिक नगरी कहलाती है आने वाले समय में मामय नगरी कहलाए। भगवान की जय। चूंकि कर्मवानों की धरती है, दिन रात परिश्रम करने वाले लोग यहां रहते हैं, और इन परिश्रमियों को मां का आशीर्वाद न मिले तो मिलेगा किसको? मैं ऐसा नहीं कि कानपुर महानगर की ओर किसी धन दौलत के आकर्षण से आता हूं, यहां कर्मवान हूं। उत्तर प्रदेश की धरती चेतनावानों की धरती सदैव रही है, देश के हर प्रदेशों में एक अपना गुण होता है, जिसमें मध्य प्रदेश मुझे ज्यादा शांति मिलती है। मैंने अपने आश्रम को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, मगर जो चेतना जो यहां के जल में चेतना का संचार मिलता है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं मिल पाता, मगर हमें कभी भी इन लिप्तताओं में नहीं बन जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, यहां की धरती का पानी मेरे रगों रगों में समाया हुआ है, मगर शांति जिस स्थान से समाज को मिल सकती थी उस स्थान में मैंने उस दिव्य स्थान का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश में शांतिमय वातावरण है, मैंने किसी महानगर के आसपास अपने आश्रम को नहीं निर्मित किया, एक ऐसे स्थान पर एकांत स्थान में जाकर के आश्रम का निर्माण किया है कि जहां वहां चेतनावान समाज यदि कभी पहुंच सके, 2 मिनट यदि वहां बैठे तो उसे शांति तृप्ति संतोष की अनुभूति हो। समाज को कहा जाता है योग सीख लो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कैसे बीमारियां दूर हो जाएंगी? अवगुणों से व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति, चूंकि ये बीमारियां केवल हमारी शरीर के खान पान से ही नहीं आ जाती, हमारे कर्मों के आधार पर भी आती है, हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर भी आती है। और मेरी चुनौती हो उस क्षेत्र की, यदि कोई भी योगाचार मेरे द्वारा केवल 5 कैंसर के रोगी खड़े किए जाएंगे और उस 5 कैंसर के रोगी में कोई दवा का उपयोग न करे, क्योंकि अनेकों योगाचार्यों द्वारा यही कहा जाता है कि केवल योग से कैंसर का इलाज किया जा सकता है, अंतिम चरण पर पहुंचे हुए कैंसर के रोगी होंगे, यदि 5 रोगियों में 2 रोगियों को ठीक कर देंगे तो मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा।
और अगर नहीं कर सकते तो योग को बदनाम मत करें, क्योंकि जिस तरह धर्मवाद कथावाचकों ने बदनाम करके रख दिया, लोग में अनास्था पैदा हो गई। आज कोई साधु संत सन्यासी निकलते हैं तो वो जा रहे पैसे लुटेरे होंगे, भाव बदल जाते हैं, निश्चित धर्मवान नमन करते हैं, मगर आज भी 75% ऐसा समाज है कि धार्मिक कोई आयोजन चल रहा हो उसके प्रति हे दृष्टि बन जाती है। कोई साधु संत सन्यासी जा रहा हो तो केवल लुटेरों का स्वभाव नजर आता है। जिस तरह आज किसी राजनेता को देखो तो समाज सब जानता है, हो सकता है उनके सामने वो मंत्री कोई बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, उनके चौखट पे दंडवत करने लग जाए, मगर भाव क्या बना हुआ आप सब जानते हैं। सब जानते हैं कि केवल वोटों के समय हमारे दरवाजे पे आएंगे, बाकी शोषण करने के अलावा और कोई कार्य इनके द्वारा किया ही नहीं जाता। वास्तविकता है, चूंकि भटकाव है, और भटकाव इसलिए है कि कहा जाता है धर्म और राजनीति को अलग कर दो। अरे अज्ञानियों, यदि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया गया तो राजनीति का सिर्फ पतन होगा। मेरा मानना है कि जो हिंदू धर्म में जुड़े हुए हैं उन्हें हिंदू धर्म में तलाशना चाहिए कि कौन सिद्ध योगी, कौन संत है, किसके पास हमको ज्ञान मिलेगा, मार्ग मिलेगा, और उनसे ज्ञान मार्ग लेकर के हम राजनीति के क्षेत्र में बढ़े। इस्लाम धर्म के मानने वाले, इस्लाम धर्म की जो भी वहां पर उनके इस्लाम धर्म के मानने वाले जानवान हो, मौलवी हो, वो लोग जो ज्ञान दे सके उनकी शरण में जाना चाहिए। जब तक धर्म, क्योंकि धर्म का तात्पर्य केवल हिंदू धर्म से नहीं, निश्चित मैं हिंदू धर्म के बीच जीवन जी रहा हूं, उस प्रगत सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, उस प्रगत सत्ता की कृपा से समाज में चेतना का संचार कर रहा हूं जिस चेतना का संचार मैंने पाया, मगर मेरे द्वारा किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया जाता, क्योंकि सब धर्म में सत्यता है। मगर धर्म के साथ यदि हम अध्यात्म की ओर भी बढ़े, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि हम बाहर से कह देंगे हम इस्लाम को मानने वाले, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मगर वास्तव में तुमने अपने अंदर के हिंदुत्व को पढ़ा ही नहीं, अपने अंदर की चेतना का अध्ययन किया ही नहीं, और जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं उन्होंने भी नहीं किया, तो तुम्हें सतमार्ग बताएगा कौन। मेरा मानना है धर्म और राजनीति को बिल्कुल जुड़ करके कार्य करना चाहिए। भले धर्माचार कहते होने को कोई कहेंगे कि हम राजनीति से बहुत दूर है, राजनीति तो कोई बात मैंने बार कहा, मैं हर मन से धर्म और राजनीति की दोनों बातें करता हूं, कोई मेरे लिए किसी प्रकार की टिप्पणी करे मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं रहती, क्योंकि मेरा, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर के क्या भाव है, इसका ज्ञान मुझे है। किसी के कहने पर मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता उसकुल माता आदि सब जनी जगदम्बा की कृपा और उनके जो भी स्थिति रहती है, उस कड़ी जो कड़ी जुड़ी है उसमें कहीं जंग तो नहीं लग रहा। कहते सभी होंगे कि ऐसा कर दिया जाए, मगर कोई अलग नहीं है। वही सबसे ज्यादा राजनीति के तलवे चाटेंगे जो धर्माचार कह रहे हैं, उन्हीं के चौकड़ों में बैठे, बस हमारी झोली में आप 2 मिनट का समय दे दीजिए, हमारे मंच में आप आ जाइएगा। मैं कहता हूं तुम बड़े से बड़े मंत्री हो, बड़े बड़े मिनिस्टर हो, देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे अंदर यदि भक्तिभाव आए तो सर झुका करके मेरे आश्रम में आना या मेरे कहीं पर फ्यू रूपये आना। सम्मान करता हूं, राजनेता भी समाज सेवक होते हैं, वे भी समाज के बीच कार्य कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, मगर सम्मान उसी तरह जिस तरह अन्य भक्तों का करता हूं। यहां आने से तुम्हें कुछ ऊर्जा अवश्य मिल जाएगी, तुम्हें कुछ चेतना अवश्य मिल जाएगी, मगर आपके यहां उपस्थित होने से मुझे कुछ चेतना मिल जाए, मुझे कुछ लाभ मिल जाए, मैं उस लाभ और चेतना को दूर रखना ही पसंद करता हूं। मेरे लिए सभी लोग एक समान है, और सत्य ही है कि धर्म में सभी लोग एक समान होना चाहिए। निश्चित है कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है, राजनीति से अगर कुछ लोग जुड़े हैं वो अगर कुछ चिंतन ज्यादा पकड़ लेंगे तो ज्यादा कार्य कर सकते हैं आम व्यक्ति की अपेक्षा। यदि समाज के जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हों, यदि एक व्यक्ति सुधर जाए तो लाखों करोड़ों का कल्याण कर सकता है, मगर चारों तरफ भ्रष्टाचार, धर्म हो वहां पतन, राजनीति हो वहां पतन, लोग राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कोई कर ही नहीं रहा। एक पार्टी के पीछे से एक अपराधी को चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा करते तो उससे बड़ा अपराधी तलाशा जाता है, कब समाज का सुधार होगा? उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म की सीढ़ियों को तय करना पड़ेगा, अपने मैं को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन और कोई नहीं डालेगा। ये नहीं करा कि मेरे करने से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन तो आप लोग करोगे, परिवर्तन तो आप लोगों के द्वारा आएगा, परिवर्तन समाज ही कर सकता है, मगर वो तब संभव होगा जब पहले अपने अंदर परिवर्तन करो, अपने विचारों पर दृढ़ रहो, भूखों मर जाओ मगर अनीति अन्याय अधर्म से बचने का प्रयास करो।
धीरे धीरे करो। मैं नहीं कहता कि तत्काल ऐसी स्थिति हो सकता है आप जब ना कर सके, क्योंकि भ्रष्टाचार इस तरह फैला हुआ है कि एक छोटा कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता तो ऊपर से बाध्य हो जाता है। अगर अपने सुपीरियर को अपने अधिकारियों को पैसा नहीं देगा तो यदि उसका या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा या तो लाइन हाजिर हो जाएगा या किसी न किसी प्रकरण में उलझा दिया जाएगा। ये सभी क्षेत्रों में हो रहा है। समाज के बीच हर थाने बिक रहे हैं, हर ऑफिस बिके हुए हैं, एक किसी जगह भी कार्य आपका नहीं हो सकता बिना पैसा दिए। भ्रष्टाचार सब जगह फैला है मगर फिर भी हमारे राजनेता भ्रष्टाचार को दूर करने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो तो कुछ अपने आप में सुधार करो। 90% 75% ही सुधार कर लो। दाल में नमक बराबर सब चल जाता है। हो सकता है कलकाल का वातावरण परिस्थितियां हैं मगर कभी भी तो शांति से सोचो कि हमें जो सौभाग्य मिला है, हम धर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम राजनीति क्षेत्र में बैठे हुए तो हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है। अन्यथा यदि हम आज यहां बैठे हैं, क्योंकि मैंने बार बार कहा कुत्ते और सूरों के जीवन में कौन जाते हैं, वेद पुराण कथान को भी पढ़ाया जाता है, मैं ही नहीं कह रहा, उनमें कैसे सुनाया जाता है कि वो इस मटका मठा देवता तो दूसरे जीवन में जाकर कुत्ते के जीवन में गया। अगर तुम भिखारी बन करके लोगों का शोषण करके दान घसीटोगे, दान के पैसे से अपना जीव को पार्जन करोगे तो कुत्ते और सूअर के जीवन में जाने कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारा आपका सभी का धर्म और कर्तव्य, हम आप जहां पर जिस जगह खड़े हैं हर जगह हमारा एक कर्तव्य बनता है। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि माता भक्ति हमें सब कुछ दे दे, वो सब कुछ दे सकती है मगर तुम भी तो अपने नीचे के लोगों को बहुत कुछ दे सकते हो। उनको तुम देना शुरू कर दो, ऊपर खड़ी शक्ति तुम्हें देना निश्चित शुरू कर देगी। आज तुम समाज के छोटे से समाज सेवक हो, कल तुम निश्चित हो सकता मंत्री मिनिस्टर निश्चित बनोगे। क्योंकि सीढ़ी जन्म दर जन्म ही सीढ़ी आगे बढ़ती है। मैं आज अगर मैं शब्द की बात दृढ़ता से कहता हूं तो मैं के शब्द के पीछे साधना तपस्या और मां की कृपा जुड़ी हुई है। अनेकों जन्मों की वह एकांत की साधनाएं जुड़ी हुई हैं और वर्तमान जीवन में भी वैसा ही जीवन जीता हूं। मेरा कोई भी जो मुझे उपयोग की चीजें हो, चाहे मेरा वाहन हो, चाहे मेरा निवास हो, चाहे मेरा भोजन हो, मैं सब अपने कर्म बल से उपार्जित पूंजी से करता हूं। समाज के दिए हुए धन के रुपए का उपयोग नहीं करता। यदि कहीं पर भी एक रुपए किसी का उपयोग हो जाता तो 10 रुपए की भरपाई करके उसी जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने का प्रयास करता हूं। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन केवल मैंने इसीलिए किया है, जो मेरे नाम से नहीं है। जहां मैं आपको जुड़ने की बात कर रहा हूं वहां एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जुड़ा रहता हूं। इसीलिए मेरे शिष्य और कार्यकर्ता जानते हैं कि कोई शिष्य मुझे कितना ही समर्पित क्यों न हो, गला काट के रखने के लिए तैयार क्यों न हो, मगर यदि वह भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के अनुसार नहीं चल पा रहा तो मेरा आशीर्वाद पाने का अधिकारी भी नहीं बनता। क्योंकि समाज का हित तभी है जब भक्ति मानव कल्याण संगठन के जो लक्ष्य, जो विचारधारा माता आदि सृजनी जगदम्बा की प्रेरणा से मुझे मिले और मैंने उस लक्ष्य को लेकर के भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया, जब हम और आप सभी उस दिशा में चलेंगे तभी समाज का हित और कल्याण होगा। हमें उस मय की खोज करना है। मय की खोज तुम्हें दानों से मानव बना देगी, मय की खोज तुम्हें चेतनावान बना देगी, मैं की खोज तुम्हें सत्यवान बना देगी। लोग भविष्यवाणियों की बात कहते हैं, मेरे द्वारा हजारों भविष्यवाणी पूर्व में की जा चुकी है। समाज के लोग बैठ जा चुके हैं, यहां कोई भविष्यवाणी करने के पूर्व में इतने चिंतन मेरे द्वारा दिए जा चुके हैं, इतने कार्य किए जा गए कि अगर एक बात को कोई नकार देगा, जो प्रमाण मैं देता हूं समाज के बीच देता हूं वह पूर्व की कैसेटों में मेरे प्रमाण है, और एक प्रमाण को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं चुनौती देता हूं कि उससे बड़े बड़े 10 कार्य करके समाज के बीच तत्काल दिखा दूंगा। देश के सभी भविष्यवक्ता इकट्ठे हो जाएं, वो अपनी भविष्यवाणी ज्योतिष और तंत्र गणना से चाहे जितनी करते रहे, मैं बगैर कुछ देखे यदि मुख से कुछ भी बोलता चला जाऊं तो 90% भविष्यवाणी मेरी कभी गलत नहीं हो सकती। 10% मैं ये कह रहा हूं कि माता आदि सृजनी जगदम्बा की कृपा कब किस पर क्या परिवर्तित कर दे उस पर मैं, क्योंकि मैंने बार कहा मैं उस सर्वोच्च सत्ता के सदैव अधीन रखता हूं अपने आप को, चूंकि उसके अधीन हूं, वो मुझे अपने अधीन बनाए है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा मेरा गौरव है। क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि एक भी किरण टेढ़ी हो जाए तो मुझ समान हजारों लोग, करोड़ों लोग एक पल भी अपने अस्तित्व का जीवन नहीं जी सकते। कहीं पर मेरा अपना अहंकार नहीं है। जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु की बात दृढ़ता से कहता है उसी तरह मैं उस प्रगत सत्ता का शिष्य, उस प्रगत सत्ता का रजकण हूं।
जो प्रगत सत्ता ने मुझे चेतना भरी है, जिस कार्य के लिए मुझे समाज के बीच भेजा है, यदि उस कार्य को मैं उसी तरह न कर सका जिस तरह वह प्रगत सत्ता चाहती है, तो मेरे जीवन जीने का अर्थ ही नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं चूंकि सभी क्षेत्रों में चिंतन आज प्रारंभ में इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोगों तीन दिव्य जो महाआरतियां हो रही थी उन्होंने बार बार कहा, उन तीन दिव्य आरतियां आप लोगों का कल्याण करने में बहुत कुछ आपकी दिशा बदल देंगे। मैं ज्योतिष का भी सम्मान करता हूं, बातें समाज में उठती मगर मीडिया कहां सुनता रहता है समझ में नहीं आता। मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है मीडिया कल को मेरी बुराई भी करना शुरू कर दे, क्योंकि मैं मीडिया के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बार कहा मुझे ना तो बुराई से कोई मतलब रहता है, ना लाभ से कोई मतलब रहता है, ना हानि से कोई मतलब रहता है। एक पल का जीवन जीऊंगा मगर जो सत्य है वही कहूंगा। अनेकों योगाचार्यों से द्वारा कहा जाता है, सैकड़ों मीडिया कर्मी वहां, मीडिया के लोग वहां उपस्थित रहते हैं, कहा जाता है कि ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष का मैं सम्मान करता हूं, हो सकता है कि ज्योतिषाचार्य अनेकों भटक रहे हो, भटकाओं ने हमारी ज्योतिष को भी बदनाम कर दिया, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, शोध कर करके, एकांत स्थानों में रह रह करके ज्योतिष गणना के ऐसे नियम निकाले, ऐसे समाज को एक देन दी कि ज्योतिष गणना के माध्यम से हर घटना के काल क्षणों को निकाला जा सकता है। हमारी जनपत्री इसी के आधार पर बनती है, मगर वही जिसके पास धनबल हो, पहले का जीवन किस प्रकार जीते तो उससे कुछ मतलब नहीं। आपका धनबल आ जाए, जनबल आ जाए, तो आप कुछ भी बोलो वो धर्म बन जाता है, तालियां बजेगी उसको सब लोग स्वीकार कर लेंगे। मेरे द्वारा जो आज कहा जाता है, मेरे सिर्फ जब मेरा एक भी दीक्षित सिर्फ नहीं था, जब मैं एकांत की साधना करता जो लोग मेरे आते तब भी मेरी वही भाषा थी, तब भी मेरे वही शब्द थे, क्योंकि मैं कभी धनबल और जनबल की भाषा नहीं बोलता। लाभ हानि मान अपमान से मेरे शरीर को कोई मतलब भी नहीं। तुम मेरे गुणगान गाते हो, उन गुणगानों को मैं माता आदि सब जगदम्बा के चरणों की ओर बढ़ाता रहता हूं। मैं एक केवल मात्र तुम्हारे उस प्रकार सत्ता के बीच माता आदि सब जगदम्बा ने मुझे एक कड़ी बनाया है, उस कड़ी के अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मगर वो ज्योतिषाचार्य अनेकों द्वारा, योगाचार्यों द्वारा ऐसे शब्द हो चुके, मैंने कहा इससे धर्म हमारा बदनाम हो रहा है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, बस करोड़पतियों लखपतियों के, आप करोड़पति अरबपति बन जाए, आप उद्योगपति बन जाए, आप कुछ भी बोलते चले जाए, कोई नहीं टोकेगा। कहा जाता है जन्म के समय से बच्चे की गणना नहीं की जानी चाहिए, बच्चे की गणना तब की जानी चाहिए जब वो माँ के गर्भ में आता है। मैं उन योगाचार्यों से कहता हूं, पहले तुम्हें बताओ तुम माँ के गर्भ में कब आए थे, किस क्षण पे आए थे, अगर तुम बता दोगे, नियम निकाल दो ऐसा कि समाज के बीच ऐसी कोई देन दे दो कि तुम बता सको किस क्षण किस मिनट पर तुम माँ के गर्भ में आए थे, क्या उससे पहले तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था। ज्योतिष इसके आधार पर नहीं चलते कि जन्म समय गणना का, क्योंकि जन्म के समय के काल को पकड़ा जा सकता है, और किसी काल को यदि पकड़ लिया जाए उस काल से कोई भी गणना की जाए तो सत्य और प्रमाणित होती है। अंधता तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वह शरीर में भी है, मां के गर्भ में भी है, मां के गर्भ से पूर्व भी है। मां के गर्भ से कहां से गणना निकालोगे, मगर वही चीज हमको किसी की बुराई करना है। मैं अगर बुराई करता हूं तो तथ्यों के आधार पर करता हूं, मैं अगर बुराई करता हूं तो दूसरा पक्ष प्रमाणिकता से रखने के लिए तत्पर रहता हूं कि समाज के बीच कहीं एक ऐसा आयोजन हो कि जहां पर इस पर ज्ञान और विज्ञान को तराजू पर तौला जा सके। लोगों के मस्तिष्क का ब्रेन मैपिंग केवल अपराधियों का कराया जाए, कर वो अपराधी उतने बड़े अपराधी नहीं जितने बड़े बड़े अपराधी धर्म क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े पड़े हैं। सबसे पहले धर्म क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़कर के आना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने ब्रेन का मैप करवाएंगे कि हम अपराधी हैं कि या नहीं, हम अपने आप को परमहंस कह रहे हैं, परमहंस हैं, इसलिए इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान ने हमें दे रखा है कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं, कि वास्तव में हम परमहंस बने हैं कि नहीं बने, वो विज्ञान, क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे होंगे वो पकड़ लेगा। हम अगर कह रहे होंगे कुंडली चेतन हमारी जागृत है नहीं जागृत है तो पकड़ लेगा। एक बार उन मशीनों से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं, ये शरीर सबसे पहले आगे खड़ा नजर आएगा, क्योंकि समाज की आंखें किसी तरह तो खुले। मैं नहीं कह रहा कि समाज अगर उस सत्य को जान लेगा तो मुझे मानने लगे, क्योंकि मैं एकांत की साधना को पहले पसंद करता था, भविष्य में भी एकांत में ही रहूंगा। मगर निश्चित है राम ने बानरों की सेना तैयार करके रावण का अस्तित्व मिटा दिया था, राम को युद्ध लड़ने के लिए साथ जाना पड़ा था, मगर कलिकाल को भयावहता को हटाने के लिए मुझे शिष्यों के साथ रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ऋषि का स्थूल शरीर से ज्यादा सूक्ष्म उसका बलवान होता है, और मैं लोगों के हृदय पर अपनी स्थापना करता हूं, इसलिए मैं अपने शिष्यों को इतना सामर्थ्यवान बनाना चाहता हूं, इतना सामर्थ्यवान बना रहा हूं
कि वह शिष्यों के माध्यम से ही समाज में एक प्रवाह फैलता चला जाएगा। मैं अधिकांश समय एकांत साधना में ही रहूंगा, क्योंकि शिष्यों को मालूम है कि उनको लग रहा था कि शायद मेरा समाज के बीच का आखिरी सिर हो सकता है कानपुर का हो। क्योंकि मैंने कहा एकांत साधना या आश्रम में सिर लगाने मेरा चिंतन में बाद में समाज के बीच आने में मुझे व्यथा होती है। समाज के जय जयकारे मुझे आप कहते हो गए मगर मुझे व्यथा देते हैं। ये परिस्थितियां ऐसी ऐसा वातावरण, क्योंकि सिर्फ कहते हमारी भावनाओं का गुरु जी कुछ तो सम्मान रहने दीजिए, हम गुरु जी आप यहां स्वागत करना चाहते हैं वहां स्वागत करना चाहते हैं। फिर मेरा चिंतन रहता जो तुम मेरे स्वागत में समय लगा देते हो, जो इस तरह के शिविरों की व्यवस्थाओं में समय लग जाता है वह जन कल्याण में यदि धन समय लगेगा तो ज्यादा कल्याणकारी होगा। और वह सामर्थ्य मैं शिष्यों के अंदर भरता जरूर जाऊंगा, मैं एकांत में साधना करूंगा, शिष्य मेरे इतने सामर्थ्यवान जरूर होते चले जाएंगे कि वो जन चेतना के कार्य में, परिवर्तन के कार्य में, समाज में एक माँ में वातावरण तैयार करने में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि मैं कभी शिविर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक चुनौती भी दे रखी है और माता आज सब जीवन जगदम्बा की मैंने बार बार कहा वह कब मुझे क्या प्रेरणा दे दे, क्योंकि मेरे जीवन का भी लक्ष्य पूरा जुड़ा हुआ है। जहां अत्यंत आवश्यक होगा वही शिविरों का मेरे द्वारा आयोजन किया जाएगा और ये हर वर्ष शारदीय नवरात्र जो लगती है वहां 3 दिन का शिविर रहता ही। बाकी नित्य जो लोग वहां आते हैं मुझसे मिलते हैं, जो मेरे विचार थे मैं यहां रहकर के उतनी बातें नहीं बता पाता था, ये कोई साधना के क्षेत्र में बढ़ना चाहे अन्य क्षेत्र में, तो वहां आता मैं हर एक को मिलने का समय देता हूं। मेरे लिए ऐसा नहीं कि कोई शुल्क रहता हो, नैतिकांशता तो है कि 500 रुपए दो तो यहां जा सकते हो, मिल सकते हो, आपके पास पैसा नहीं तो आप नहीं मिल सकते। कई ऐसे बड़े बड़े शिविरों को देखो वहां यदि रहेगा कोई सामने खड़ा होकर माइक में बोलने के लोगों को मौका दे दिया जाता है कि तुम अपने अनुभव बता दो, अगर कोई अपने अनुभव की तुमको लाभ मिला कि नहीं मिला अनुभव बताते बताते कोई कह दे कि स्वामी जी हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो उस बात को टाल बगैर वही अगर कह दे कि मेरी लड़की विदेश से आना चाहती है, विदेश स्वामी जो मिलना चाहती है, विदेश में मेरी लड़की रहती है वह भी आपसे मिलना चाहते हो, तो हाँ कल हमने आपको मिलने का समय दिया है ना, आप अपनी लड़कियों को भी बुला लीजिए। विदेश का नाम सुनते ही लार टपकने लग जाते हैं, कोई विदेशी हमारा शिष्य बन जाएगा बिल्कुल एकदम से लार टपकने लगेगी। अगर बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े योगाचार इतने लालची स्वभाव के हो जाएंगे, कहेंगे हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य तो मेरे द्वारा किया मगर कोई उतावलापन नहीं, क्योंकि समाज का पहला कार्य है लोगों के अंतःकरण में परिवर्तन डालो। अगर हमारे पास योग की कोई क्रियाएं हैं तो हम समाज को निःशुल्क ज्ञान दें, यदि हमारा कोई लक्ष्य तो सत्यता से बताएं उनको, समर्पण करके सत्कार में जुड़ने वालों लोगों की कमी नहीं है। यदि सत्य होगा जितना चाहेंगे, जितना उनके पास सामर्थ्य होगी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको धन देंगे, समाज के कोई भी कार्य पूर्व से आज तक समाज के सहयोग से ही चल रहे हैं, मगर उसके लिए इतना बड़ा उतावलापन हो जाए कि हर शहर में हमारा बड़ा बड़ा हमारा संस्थान खुल जाए, हम बड़े से इतने इतनी जिससे कि दूसरा कोई हमारे अलावा कोई पहले पहले योग सिखा ही नहीं रहा था, हमारे पहले धर्म का कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा था, जिनके पास जो संसाधन थे उन्होंने पहले भी उपयोग किया, अनेकों पुस्तकें भरी पड़ी हैं जहां पहले हर योग के माध्यम से किस तरह की बीमारियों में भी लाभ मिलता लिख रखा गया, मगर उन्होंने इतनी अधिक अतिशयोग की स्थितियां नहीं रखी है कि नाम योग कहो और पिलाई जाए आयुर्वेद की दवा, खिलाया जाए फिलाजीत, कहा जाए चेतना योग से पैदा हो जाती, अरे चेतना अगर योग से पैदा हो जाती तो फिलाजीत की क्या जरूरत है। मेरे द्वारा भी योगियों का जीवन जिया जाता, मैंने बार बार कहा कि मैं 10 या 11 वर्ष की अवस्था से यदि याद करता हूं तो शायद मेरा भोजन छूट गया होगा मगर योग की क्रिया नहीं छूटी। अब आश्रम में मेरे द्वारा भी निःशुल्क लोगों को योग सिखाया जाता जो भी वहां पहुंचते हैं, शिविर के समय कार्य बंद कर दिए जाते, इसलिए पूर्व से मेरे द्वारा वहां लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, यदि कोई योग सीखना चाहे तो वहां पर सायंकाल 2 घंटे का एक बराबर समय दिया जाता, जो योग सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, जो पूर्व में मेरे द्वारा जानकारी दी जा चुकी है। योग से बीमारियों में लाभ मिलता है, चेतना का संचार होता है, मगर इतना अधिक भी नहीं कि एक झटका लगाओ 1 ग्राम आपका वजन घट जाएगा, क्योंकि अतिशयोक्ति की बात कल अनादर पैदा करेंगे। हजारों अगर कहीं 10,000 बैठे तो वहां कह दिया जाए 1,00,000 लोग बैठे हैं, जिसको इतना आंकलन करने का विज्ञान नहीं, अगर 10,000 बैठे वहां 1,00,000 लोग कह दिया जाए, अगर 10 चंद लोग खड़े होकर के कहते हमको ये लाभ मिल गया तो इसका तात्पर्य नहीं कि वहां अगर 1,00,000 लोग बैठे हैं तो 1,00,000 लोगों में मैंने कहा कि यदि 50% से ऊपर लाभ मिल रहा हो तब भी सत्य कह दिया जाए, कभी उनकी बातें समाज के बीच नहीं रखी जाती जिनको लाभ नहीं मिल रहा,
मेरे पास सैकड़ों लोग इस तरह के जाते हैं, गुरुजी हमने इतने योगाचार्यों के योग शिविर अटेंड किए, जो कुछ हमारे पास बचा पहले हमने दवाइयों इलाज में खर्चा किया, बाद में वहां गए, इतनी दवाइयों हमने उपयोग किया मगर फिर भी हमको कैंसर से लाभ नहीं मिला, हमको इस बीमारी से लाभ नहीं मिला, उनकी आवाज कौन उठाएगा, कोई बोलने वाला नहीं। मगर ऐसे लोगों को आप स्वतः देखेंगे, ऐसे लोग जो सहारा दे रहे होंगे उनके सहारे के नीचे के धरातल स्वतः खिसकता चला जाएगा। पूर्व में आप लोग देख रहे हो ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जिनको आशीर्वाद दिया, उनके मुख्यमंत्री की गद्दी भी छिन गई। धोनी को आशीर्वाद दिया, उसका बेचारे का क्रिकेट खेलने का जो एक नंबर वन खिलाड़ी था उससे कई सीढ़ी नीचे आ गया। पहले कहते हैं हम समाज को आशीर्वाद नहीं देते, केवल योग क्रिया, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, केवल मैं कभी आशीर्वाद करूं, कुछ समय से देखो मैं सब तो आशीर्वाद दे रहा हूं, आशीर्वाद दे तो हर जगह आशीर्वाद शब्द होगा। तो वास्तविक सत्य क्या है तुम पहले बता तो दो कि कल क्या बताते थे, आज क्या बता रहे हो, कल क्या बताओगे, समाज किस रास्ते पे चले। पहले तुम योग इस तरह सिखा रहे थे, आज इस तरह सिखा रहे हो, कल को दूसरी तरह सिखाना शुरू कर दोगे। जबकि हर योग के एक स्वरूप है, हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल तक तपस्या की, योग साधनाएं की, तब उन आसनों के बारे में बताया विस्तार से, इस तरह से आसन करें, इस तरह से यह योग करना, मगर पूरा समाज भटक रहा है, बेचारे लोग जाते हैं लाखों करोड़ों लोग, क्योंकि मरता क्या न करता, यदि मैं इस कानपुर शिविर में यह प्रचार कर देता, यहां सचेतना जन जागरण शिविर का प्रचार किया मैंने, क्या तो लोग समझ नहीं पाए क्या होना, यदि प्रचार कर देता किसी भी बीमारी के लोग आ जाए उन्हें ठीक कर दूंगा, मैं शक्ति जल देता हूं, निःशुल्क उसका लाभ मिल जाएगा, तो बेचारे घर में जो पड़े होते बीमार चल रहे होते वो घर से लाद लाद के लोग पहुंचते, चाहे चाहे यहां अगर 10,000 का शुल्क रख देता तो मजबूर फिर भी पंडाल भरा नजर आता, लोग बरबस आते, क्योंकि मरने वाला तो व्यक्ति उसके बेटे, वहां हर व्यक्ति चाहता हमारा परिजन बच जाए, जो भी पैसा लग जाओ, बेचारे लोग ये वेदना जाएगी कहां, उन लोगों को नजर नहीं आता कि अरे हम 10-20% लोगों को लाभ दे भी रहे हैं, मगर यदि 90% लोग घर पे पैसा किराया खर्च करके आते हैं, कर्ज लेकर के आते हैं, जोर बेच करके लेकर के आते हैं, हमारा सूर शुल्क देकर के सूर सीखते हैं और उसके बाद भी लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके परिणाम का भागीदार कौन होगा। मैंने बार का मैं एक बूंद जल किसी का ऋण नहीं रखता, यदि एक मिनट कोई मेरे सामने बैठता है तो साधना तरंगों के माध्यम से उसको कभी खाली हाथ जाने नहीं देता, क्योंकि मैं एक कदम बढ़ूंगा मगर उतना ही बढ़ता हूं जितना बढ़ करके मैं आप लोगों को कुछ लाभ दे सकूं। समाज में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, धर्म के सत्य के स्वरूप को सामने खड़े होना चाहिए, साधकों की विचारधारा, तपस्वियों की विचारधारा जागृत होनी चाहिए, समाज में साधक और तपस्वी तैयार करने की आवश्यकता है, जो दृढ़ता से कह सके कि हाँ मैंने अपने इष्ट को देखा है, मैंने अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त किया है कहने वाला इस धरती पर कोई मानव, मेरे द्वारा यह कहा जा रहा है मैंने माता आज सब्जनी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं, हर पल दर्शन प्राप्त करता हूं, जहां चाहूं वहां दर्शन प्राप्त कर सकता हूं, अगर मैं मां की चेतना का संचार करने आया हूं तो उस चेतना का संचार मैंने पाया है, और पाया है तब मैं की शब्द की भाषा बोलता हूं, अगर मेरे मैं शब्द को झुकाने वाला इस धरती पर कोई मानव जीवित है तो मेरा सामना करें, अन्यथा मेरे मैं शब्द पर टिप्पणियां करना बंद कर दें।